आप सोच रहे होगे आखिर क्या हो गया इनको, ऐसे मुंह खोल कर क्यों बैठे हैं। सो गाइस सारी चीजें पता कर रहे हैं आगे वीडियो पे, तो आप इस वीडियो पे चलो आगे बने। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और आज बुलबुल चिड़िया वाले वीडियो के पार्ट टू पे आप लोग आ चुके हो। और आपको जान के ये हैरानी होगी दोस्तों, हमने उस दिन दिखाया था आपको एक बुलबुल चिड़िया जो अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो एक नहीं है दोस्तों, वो दो हैं। जी हाँ, वो दो चिड़िया हैं जो कि आते हैं शायद उन बच्चों के मदर फादर, वो दोनों आके बच्चों को खाना खिलाते हैं। भाई सोचो, ये बर्ड्स, ये पक्षी इतनी समझ रखते हैं कि अपने बच्चों का भरण पोषण दोनों आके करते हैं, लेकिन आजकल के कुछ माता पिता अपने बच्चों को पैदा होने के बाद नदी नाले में बहा देते हैं। सो उनको तो कुछ ये देख के समझना चाहिए, देख के इस वीडियो को सीखना चाहिए। मैं उस टॉपिक पे बात अभी करना नहीं चाहता क्योंकि दिमाग गर्म हो जाता है। सो चलो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, आखिर आगे क्या हो रहा है। फाइनली दोस्तों, इन बच्चों के आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं, और ये 7वां दिन है दोस्तों। और आप इन बच्चों को देख के, इन बेबीज़ को देख के ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर ऐसे मुंह खोल के क्यों हैं। सो दोस्तों, ये अभी मुंह खोल कर इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि इनका ये फीडिंग टाइम है, इनकी माँ आके इनको खाना खिलाती है। वो जाती है, खाना ढूंढती है, एक एक बच्चों को खिलाते रहती है, और जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक वो बच्चे हमेशा ऐसे ही मुंह खोल के रहते हैं वहाँ पे। सो ये बहुत ही क्यूट से बच्चे दोस्तों, आप देख सकते हो अब इनके पंख निकल आए हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 दिन के अंदर ही उड़ने लगेंगे दोस्तों। और मैं हर एक दिन आपको ये अपडेट करता रहूँगा कि आखिर इनके उड़ने तक का वीडियो मैं दूंगा कि ये कैसे किस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ करके आगे बढ़ेंगे। और इनकी मदर भी यही हैं दोस्तों, क्योंकि वो इनका देखभाल इतने अच्छे से करती है कि इंसान भी इस छोटे से बुलबुल चिड़िया के आगे फेल हैं दोस्तों। इतना प्यार करती है इन दोनों बच्चों से, वो कभी इन्हें छोड़ के ज़्यादा देर तक बाहर रहती ही नहीं है। भाई मैं तो सीधी सी बात को, इंसानों को कुछ इन पक्षियों से सीखना चाहिए। सोचो इस छोटे से गमले पे लगे पौधे पे इसने अपना घोंसला बनाया, उस पर अंडे दिए और बच्चों को भी पैदा किया उसने, और अभी अपना भरण पोषण भी करे। और ये देखो आप, वो कहाँ पे है, यहाँ है वो। मैं जूम और थोड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। ये देखो, ये यहाँ पर इनकी केयर कर रही है। और गाइस ये देखो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक नहीं दो हैं, इसकी मदर और इसके फादर दोनों ही आके इनको बारी बारी से खाना खिलाते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो मुझे पहचानने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई। मैंने जब आज सुबह देखा कि ये दो जन हैं तो मैं तो हैरान ही रह गया, क्योंकि रात को एक ही जन उसके पास रहता है, रात को एक ही बर्ड उसके साथ बच्चों के साथ सोता है। और अगर आपको भी इनके वीडियोस आगे देखने हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आखिर तक ज़रूर इस पार्ट को कंटिन्यू करूँगा। ये जब तक बच्चे उड़ते नहीं हैं, मैं आपको डेली वीडियोज़ बनाकर आपके लिए पेश करता रहूँगा। सो क्यूट से इस बुलबुल चिड़िए को मेरा सलाम।